नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो, मेरा नाम है विनीत कुमार श्रीवास्तव, नित्यानंद एकेडमी इलाहाबाद से, और मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को मैथमेटिक्स। तो आज का टॉपिक है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और हो सके तो को प्राइम नंबर। तो शुरू करते हैं। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि खुद से और एक से केवल डिवाइड हो पाता है या केवल विभाजित हो पाता है। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी। द प्राइम नंबर तो द काउंटिंग नंबर which is divisible by one या एंड इट्सेल्फ। ओनली द काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ या वन एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर। या कह सकते हैं ऐसी संख्या
जो एक अथवा स्वयं से पूर्णतया विभाजित केवल तो ऐसी संख्या जो केवल एक अथवा स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे या फॉर एग्जाम्पल तो स्वयं अथवा एक से केवल तो देखते हैं दो एक से या फिर दो से तीन एक से या फिर तीन से पांच एक से या फिर पांच से सात एक से या फिर सात से इसके बाद 11 एक से या फिर 11 से 13 एक से या फिर 13 से इसी प्रकार तो एटसेट्रा। जैसे टू या दो तीन तो पांच सात 11 13 आदि। तो ऐसी अन्य संख्याओं पर आप लोग विचार कीजिए कि और क्या कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जो कि खुद के अलावा केवल स्वयं सॉरी एक के अलावा केवल स्वयं से विभाजित होती हैं। तो इसी क्रम में कोई नई संख्या का आविष्कार होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या। तो पहली संख्या थी आपकी अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जो यहाँ पर केवल विभाजित हो सकती है एक अथवा स्वयं से, तो कंपोजिट नंबर।
तो कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या नाम से समझ में आ रहा है, वो थी अभाज्य संख्या, तो विभाजित ना हो किसी अन्य संख्या से। अब ये है भाज्य संख्या, तो देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए। तो इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, द काउंटिंग नंबर which have at least कम से कम one factor apart from one and itself आर कार्ड कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्या जिसका स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है।
अब इसमें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो बताइए कौन सी संख्या हो सकती है जो कि स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड। तो देखते हैं, तो चार देखते हैं, एक दो चार या दो गुणे एक, इसके बाद छः या सिक्स, वन टू थ्री, इसके बाद देखते हैं एट, वन टू फोर एट एटसेट्रा। जैसे तो आप लोग भी ऐसी संख्याएं सोचिए जो कि कम से कम एक फैक्टर और हो, एक और स्वयं को छोड़ के। तो चार, छः, आठ आदि। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग संख्या की तरफ, सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या। को माने सह, प्राइम मतलब अभाज्य और नंबर मतलब संख्या। साथ में अभाजित ना हो, जैसा नाम वैसा ही काम। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या बनती है। टू और मोर, टू और मोर नेचुरल नंबर सह अभाजित लिख दिया, सह अभाज्य। आर सेट टू बी को प्राइम हूज कॉमन फैक्टर इज वन ओनली। तो ऐसी संख्या या ऐसी प्राकृतिक संख्या
क्री दो या अधिक प्राकृतिक संख्या, सॉरी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ कॉमन उभयचर क्या होता है बताइएगा कमेंट में। केवल एक हो तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तीन पांच सात ग्यारह तेरह तो दो या अधिक तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपका तीन और पांच में दिखाई पड़ रहा है कि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसी तरीके से सात ग्यारह और तेरह में भी दिखाई पड़ रहा है कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ईटीसी। जैसे थ्री या तीन पांच कॉमा देखते हैं सात ग्यारह और तेरह तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। द काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ ओनली आर का प्राइम नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्या सॉरी ऐसी संख्या जो केवल एक अथवा स्वयं से पूर्णतया विभाजित होती हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह और दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह आदि तो यह है आपका प्राइम नंबर। इसी क्रम में कंपोजिट नंबर द काउंटिंग नंबर विच हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या जिसका स्वयं अथवा स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे चार छः आठ जैसे फोर सिक्स एट एटसेट्रा। अब इसी प्रकार को प्राइम नंबर तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है सेट ऑफ नंबर में टू और मोर नेचुरल नंबर आर सेट टू बी को प्राइम
हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली वन या वन ओनली, दो या अधिक प्राकृतिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। एक मतलब ये, तो ऐसी संख्या कहलाती है को प्राइम नंबर या सर्वाभाज्य संख्या है। जैसे यहां पर दिखाई पड़ रहा है 3 और 5 में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड, 7, 11, 13 में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड। फिर दोबारा से 2 or more नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज वन ओनली, दो या अधिक प्राकृतिक संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। तो आज से इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल। तो नमस्कार।